हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप को अनलॉक कर रहा था, यानी कि ओपन कर रहा था अपने फिंगरप्रिंट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट ऑपरेशन कैंसिल बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं अपना व्हाट्सएप जो है ओपन नहीं कर पा रहा अपने फिंगरप्रिंट लॉक के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बार बार जो है फिंगरप्रिंट जो है मुझे गलत बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कई बार अगर आप बार बार इसे जो है ओपन करने की कोशिश करते हैं अपने व्हाट्सएप को, ठीक है, फिंगरप्रिंट के ज़रिए, और ये बार बार जो है फिंगरप्रिंट कैंसिल बताता है, तो इसका एक रीज़न ये होता है कि आपकी जो फिंगर होती है वो थोड़ी सी डर्टी होती है। डर्टी मतलब थोड़ी सी धूल मिट्टी सी लगी होगी, या फिर कोई पसीना, या फिर कोई तेल वगैरह, चिकनापन होता है हाथों पे। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से जो है हमारा व्हाट्सएप या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है सेंसर कैच नहीं कर पाता है। अब ये जो मेरी उंगली है ये वाली, ठीक है, तो इस उंगली को मैं एक बार साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, साफ़ करके एक बार मैं अपने जो है फिंगरप्रिंट के सेंसर पर एक बार टच करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टच कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पर देखिए मैं इसे टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक तरीके से पता नहीं ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि अगर ये फिर भी ओपन नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको अपने व्हाट्सएप से एक बार जो है बैक आ जाना है, व्हाट्सएप से बाहर आ जाइए और यहाँ पर जो है अपना व्हाट्सएप एक बार ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टच द फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर फिर से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं अपनी फिंगर यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो देखिए फिंगरप्रिंट नॉट रिकॉग्नाइज बता रहा है। ठीक है, तो इसे जो है आपको अपनी फिंगर को एक बार साफ़ कर लेना है। ठीक है, ठीक तरीके से ये मैंने ठीक तरीके से इसे जो है साफ़ कर लिया। मैं इसे लॉक पे लगा के देखता हूँ, तो देखिए मैनी अटेम्प्ट्स आता है बार बार, तो यहाँ पर जो है आपको ठीक तरीके से अपना सेंसर भी एक बार जो है साफ़ कर लेना है। ठीक है, मैं आपको ये लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है ठीक से यहाँ पर दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब मैं इसे जो है फिर से यहाँ पर जो है अपनी फिंगर को एक बार ये टच करके देखता हूँ, तो ये देखिए ओपन हो चुका है मेरा व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस तरीके से कि होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारी फिंगर के ऊपर जो है कोई भी मिट्टी या फिर कोई भी पसीना या कुछ ऑयली कलर का कुछ यहाँ पर जो है जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है फिंगर के प्रिंट को जो है मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, इस वजह से ये बार बार दिखाता है। अगर वो एक बार कैंसिल हो जाता है या फिर या 30 सेकेंड का जो है वेट करने के लिए बताता है आफ्टर में, ठीक है, तो आपको 30 सेकंड का वेट कर लेना है और तब जाकर अपनी फिंगर को टच करके देखना है। ठीक है, ये बार बार कैंसिल होता रहेगा जब तक आप अपनी फिंगर को और आप अपने सेंसर को एक बार ठीक से साफ़ ना कर लें। ठीक है, सेंसर को भी ठीक से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है।